हाय फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड एंड इट्स लव। आशा करती हूँ कि आप सब सेफ, हेल्दी और खुश होंगे। तो चलिए फूडीज, आज हम योगर्ट बनाते हैं, मैंगो योगर्ट। बच्चों को आजकल योगर्ट बहुत पसंद है, लेकिन हम जो बाहर का योगर्ट मंगाते हैं, गॉड नोज वो कैसे होता है। तो क्यों ना हम बच्चों के लिए घर में योगर्ट बनाए। आज मैं दो फ्लेवर्स में योगर्ट दिखाऊंगी, एक मैंगो फ्लेवर और दूसरा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो चलिए पहले मैंगो फ्लेवर की तरफ देखते हैं। मैं अराउंड हाफ कप के करीब योगर्ट लिया है और एक केसर या आम लिया है। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे अल्फांसो मैंगो भी ले सकते हैं, लेकिन केसरिया ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये जूसी होता है। तो पहले हम इस मैंगो का पल्प निकालते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने मैंगो का पल्प रेडी कर लिया है, लेकिन ये पल्प हम डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे क्योंकि फ्रूट होने की वजह से इसमें थोड़ा सा वाटर कंटेंट होता है। हमने मीडियम फ्लेम पे इस प्यूरी को पकने के लिए रख दिया है। इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना क्योंकि हमें इसका फ्लेवर नहीं निकालना, बस पानी को अब्सॉर्ब करना है। तो मीडियम फ्लेम में हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। सी दिस, हमारी प्यूरी ऑलमोस्ट डन है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए बाजू में रख देंगे। जब तक हमारी मैंगो प्यूरी ठंडी होती है, तब तक हम स्ट्रॉबेरी के योगर्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैंने योगर्ट लिया है, ये भी अराउंड हाफ कप के करीब है। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश लिया है जिसमें स्ट्रॉबेरी के पीसेस भी है। दो आई नो ये थोड़ा सा अननेचुरल हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम ज्यादा नहीं मिक्स करेंगे तो इट्स ओके। बाहर के योगर्ट से ये एनी टाइम हेल्दी होगा बिकॉज हमारा योगर्ट घर का बना हुआ है। इस योगर्ट को हम पहले अच्छे से फेंट लेंगे और एकदम स्मूथ टेक्सचर बनाएंगे। ये देखिए, हमें इतना क्रीमी टेक्सचर चाहिए इसका। ये योगर्ट अगर ज्यादा क्रीमी हो तो ही बच्चों को अच्छा लगता है। तो अब हम इसमें ये स्ट्रॉबेरी क्रश मिक्स करेंगे। स्ट्रॉबेरी क्रश काफी स्वीट होता है, तो उसे ज्यादा मिक्स करने की, उसको ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। इसके जो चंक्स है वो हम बाद में भी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा ये स्ट्रॉबेरी योगर्ट रेडी है, लेकिन इसमें हम थोड़े से चंक्स डालेंगे तो और भी मजा आएगा, बच्चों को और भी अच्छा लगेगा। तो ये जो स्ट्रॉबेरी क्रश में ये कुछ स्ट्रॉबेरी के पीसेस थे, उन्हें हम ऐसे काट देंगे। ये देखिए, ये अलग अलग टुकड़े ऐसे हो जाएंगे, तो हम इसमें उन्हें ऐसे डाल देंगे। इससे ना ये बहुत वाइब्रेंट भी दिखती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। तो चलिए अब हम इस योगर्ट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और टेस्टी हो जाए। जैसे हमने स्ट्रॉबेरी के लिए योगर्ट फेट कर रखा था, वैसे ही यहाँ पर भी मैंने ये दही को अच्छे से सॉफ्ट करके लिया, स्मूथ करके लिया। अब ये जो हमने मैंगो का पल्प पकाया था वो हम इसमें मिक्स करेंगे। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, नेचुरल होने की वजह से कलर भी कितना अच्छा आ गया है। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये अच्छे से रेडी हो गया है। ये कुछ पीसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब हम इन पीसेस को भी इसके साथ सिर्फ मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो देखिए फूडीज, हमारे योगर्ट्स रेडी है। इन योगर्ट्स को हम कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद ये ऐसे बन के रेडी हो जाएगा। ये बाहर वाले योगर्ट से काफी थिक और टेस्टी बनता है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना फ्रेंड्स, ये मस्ट ट्राई है। मेरी वीडियोस को ऐसे ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अभी के लिए बाय बाय।